Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 11th, we will perform practical to study relation between length of wire and tension for constant frequency using sonometer. तो क्या क्या अपैरेटस चाहिए हमें? सोनोमीटर, ए सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, जैसे हमें एक ट्यूनिंग फॉर्क ही यूज़ में लेना है, और हैंगर विथ स्लॉटेड वेट और पेपर राइडर. हम वायर का भी बना सकते हैं, रबर पेड, मीटर स्केल और दो ब्रिज. वैसे अपने सोनोमीटर के ऊपर लगे होते हैं ब्रिज. और अब थ्योरी की बात करते हैं हम, तो सिंपल सा अपना फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी का, एन बराबर 1/12 अंडर रूट टी डिवाइड बाई एम. अब यहाँ पे एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. और उसके बाद टी क्या है? टेंशन कितनी है. और उसके बाद एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या वायर. और अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी हम कॉन्स्टेंट रख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट टी डिवाइड बाई एल, पूरा हो जाता है कॉन्स्टेंट. और यहाँ पे हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो अंडर रूट टी से बन जाएगा टी डिवाइड बाई एल का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, बराबर अपना क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है. और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में आ रहा है कि अपना टी क्या है, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. और यहाँ पर हम अगर ग्राफ बनाते हैं एल स्क्वायर और टी के बीच में, तो एक सीधी लाइन आती है. तो इस रिलेशन को हम बड़े आराम से वेरीफाई करेंगे. तो अपन अपने सीट पे चल के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं. यस, अब हम आ गए अपैरेटस की ओर. तो ये अपना सोनोमीटर है, तो ये वुडन का बॉक्स होता है और इसके अंदर ये बेस है और यहाँ पर ये पिन लगा हुआ है, यहाँ से ये वायर बंधा हुआ है. और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हैंगर लटका हुआ है, ये 500 ग्राम का इसका वेट है. और उसके बाद हमारे पास ये स्लॉटेड वेट है 500 ग्राम के. तो इस तरह से हम तीन ऑब्जर्वेशन लेंगे, और पहले हाफ केजी के लिए, फिर 1 केजी के लिए हम इसको और बढ़ा देंगे, फिर तीनों जब लगा देंगे तो अपने पास 1.5 केजी यानी 1.5 केजी हो जाएगा. और इसको हम रोक देते हैं इस तरह से. और इधर देख पा रहे हैं ये ब्रिज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ से इसके लगी हुई इसकी हेल्प से हम पढ़ सकते हैं. और ये अपना राइडर है, हमने वायर को कट करके इस तरह से गोल चूड़ी के रूप में इसको बना दिया है. जब हमारी रेजोनेंट लेंथ आ जाती है तो ये मैक्सिमम इसमें वाइब्रेशन होने लग जाते हैं. ये हमारा ट्यूनिंग फोग है, और इसको जब हम रबड़ पेड़ पर इस तरह से मारते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होते हैं. और जो इसके ये प्रोग दिख रहे हैं दो, यहाँ से ट्रांसवर्सल वेव्स निकलती है, और जो इसका हैंडल है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बनते हैं. और इसको हम क्या करते हैं, इसके बेस पे इस तरह से लगाते हैं. तो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं हम. हाफ केजी के लिए हम रेजोनेंट लेंथ पता करेंगे. तो सबसे पहले हम दोनों ब्रिज के बीच की डिस्टेंस ज़ीरो कर देते हैं. और ज़ीरो तो नहीं है, दोनों ब्रिज के जो यहाँ से देख पा रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है. और हम इन दोनों को चलाते हैं इस तरह से, इस तरह से हमें लगाना है और इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है. तो देख पा रहे हैं बीच में भी लगा सकते हैं, तो वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं. हम लगे हुए भी बढ़ा सकते हैं, तो इधर आ रहा है अपने 42, इधर आ रहा है 54. तो 12 के लगभग हो गई, 12.5 के लगभग. और यहाँ पे वाइब्रेशन होने लग गए हैं वायर में, अपना वायर रोटेट करने लग गया है, अपना जो यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा है 55 पे. तो हमारी रेजोनेंट लेंथ आ गई है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम फिर से देखते हैं. तो ये अपने पास 256 फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक, और अब हम देखते हैं इसको इस तरह से इस रबड़ पेड़ पे मार के बजाते हैं. और ये अपना राइडर रोटेट कर रहा है. पास से देख पा रहे हैं आप इस तरह से अपना राइडर काफ़ी तेज़ी से रोटेशन कर रहा है, और इसके अंदर अच्छे से वाइब्रेशन हो रहा है. अपना राइडर पूरी तरह से गोल घूम रहा है.
देख पा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से राइडर अपना रोटेट कर रहा है। तो हम जो है दोनों ब्रिज के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, तो इधर 42 इधर अपना 55 यानी अपना 13 सेंटीमीटर आ रही है। तो बस अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन लेंगे। फर्स्ट आ रही है अपनी 42 और 55 के यहाँ पर आ रही है। और तो फर्स्ट रेजोनेंट लेंट आने के बाद हम सेकंड ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो क्या करेंगे, हम हाफ के जी वेट और बढ़ा देंगे इसमें इस तरह से लगा करके। और अब अपने पास टेंशन बढ़ गया है, 1 kg वेट हो गया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये आपने को पता है टेंशन बढ़ने पर लेंथ बढ़ेगी, लेकिन फिर से हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पर आएगी हमारे 17.8 से 50-57। तो ये आ रही है हमारी 1 kg के लिए 17.8। तो इधर आ रहा अपना 40 और इधर आ रहा अपना 57.8 यानी अपने पास दोनों ब्रिज के बीच की डिस्टेंस हो रही है 17.8। तो ये तेज़ी से वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम 1 kg पे ले रहे थे, तो दोनों ब्रिज के बीच की डिस्टेंस आ रही है अपनी 40 और इधर आ रहा है अपना 57.8 यानी 17.8 सेंटीमीटर आ रही है। और देखिए अपना राइडर अच्छे से रोटेट कर रहा है, थोड़ा हम सही से लगाते हैं। देख पा रहे हैं अच्छे से इसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, पास से देख पा रहे हैं आप। इस तरह से अपना राइडर काफ़ी तेज़ी से रोटेशन कर रहा है और इसके अंदर अच्छे से वाइब्रेशन हो रहा है। अपना राइडर पूरी तरह से गोल घूम रहा है। तो देख पा रहे हैं अपना फर्स्ट जो ब्रिज है 40 पे, सेकंड अपना 57.8 पे यानी बीच की डिस्टेंस हो रही है अपने पास 17.8। अपना राइडर अच्छे से रोटेट कर रहा है, देखिए तेज़ी से इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है इस तरह से। तो हम लेंथ नोट कर रहे हैं, तो अपने पास सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए लेंथ आ रही है 17.8। अब हम क्या करते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 kg का वेट और बढ़ाएंगे इधर। तो इधर हमें लगा देना 1/2 kg और, तो टोटल अपने पास हो गया 1.5 kg। और हमें फिर से क्या करना है, रीडिंग लेनी है, अपनी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन हम क्या करते हैं फिर से 0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो लगे हुए हम बढ़ा सकते हैं, तो 20 के लगभग आएगी। के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गई 40 और 60, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं 21 करते हैं। तो ये 21 के लगभग 21.5 पे आ रही है, ये मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो पास से देख पा रहे हैं अपन जो अपनी थर्ड रीडिंग है 1.5 kg वेट के लिए। तो ये हम इसको जब लगाते हैं तो ये अपना राइडर अच्छे से रोटेट कर रहा है, देख पा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से रोटेशन हो रहे हैं। तो इस तरह देख पा रहे हैं, तो यहाँ पास से देख पा रहे हैं आप, इस तरह से अपना राइडर काफ़ी तेज़ी से रोटेशन कर रहा है और इसके अंदर अच्छे से वाइब्रेशन हो रहा है। अपना राइडर पूरी तरह से गोल घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। तो इधर आ रहा अपना 40 और इधर आ रहा अपना 61 आ रहा है। तो ये अपना हो रहा है
61.3 आ रहा है तो हम पढ़ पा रहे हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो रही है अपने पास 21.3 हो रही है, तो ये अपनी थर्ड रीडिंग हो जाती है। इस तरह हमने तीनों ऑब्जर्वेशन लिए हैं और अब क्या करते हैं, हम सिंपल सा अपना ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको बनाते हैं। यस, अब देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद अपना लोड, और उसके अंदर हमें हैंगर का वेट भी इंक्लूड करना है। तो इसको बनाएंगे हम एम, और हमने किस में मेज़र किया है, इसको केजी में मेज़र किया है। तो हमने तीन रीडिंग लिए, फर्स्ट रीडिंग ली हमने हाफ केजी पर यानी 0.5, और उसके बाद हमने लिए 1 केजी पर, उसके बाद लिए हमने 1.5 केजी पर। और जब हम इतना वेट लगा रहे थे तो अपने पास वायर था, उसके टेंशन कितना हो रहा था, तो टेंशन अपना हो जाता है एमजी। तो यहाँ पर हो जाता है हाफ केजी के लिए 4.9, और 1 केजी के लिए अपने पास होता है, पता है अपने को 9.8, और 1.5 के लिए होता है अपने पास 14.7 न्यूटन। और उसके बाद अपन देखते हैं रेजोनेंट लेंथ कितनी आई थी अपने पास, तो हाफ केजी के लिए आई थी अपने पास 13 सेंटीमीटर, और इसका हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट बताया गया, कॉन्स्टेंट अलग अलग है, कुछ बुक में अपने को टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर दे रखा है, और कुछ अपने दे रखा है एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो कोई बात नहीं, हम कुछ भी पता कर सकते हैं, टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर छोटा हो रहा था इसलिए ये वाला हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो इसकी वैल्यू तीनों जो अपनी रीडिंग उसमें सेम आनी चाहिए, तो यहाँ नियर अबाउट सेम आ रही है। तो जो अपना सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उसमें 1 केजी के लिए अपने पास लेंथ आई थी 17.8 और स्क्वायर स्क्वायर, और फिर अपना ही कॉन्स्टेंट। और उसके बाद अपना क्या आ गया, 1.5 केजी के लिए लेंथ आई अपने पास 21.3, और ये स्क्वायर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये अपना कॉन्स्टेंट। अब क्या कर रहे हैं हम, एल स्क्वायर और अपना जो है टी, इसके बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं और इनके बीच में रिलेशन अपन पता करेंगे। तो इस रीडिंग को देख करके हम क्या करें, ये ग्राफ बनाते हैं हम। तो ये ग्राफ बनाया हमने, स्केल देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर यानी अपना जो एक बड़ा डिवीज़न है उसको कितना लिया हमने, 4.9 न्यूटन लिया, यानी अपनों ने यहाँ लिखा 4.9, फिर उसका डबल अपना हो जाता है 9.8, फिर उसके अंदर और अपन 4.9 ऐड कर देते हैं तो 14.7 इस तरह से एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्स पे क्या लिया हमने, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर लिया है अपना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमने एल स्क्वायर को लिया। इधर क्या लिया हमने, एल स्क्वायर लिया है, और किसमें मेज़र किया है इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर में किया है। और इधर अपने ने लिया है टेंशन टी, न्यूटन में इसको मेज़र किया है, ये दोनों हमने लिए। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट शो किए हैं, तो अपना फर्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे अपना 4.9 पे कितना रहा है एल स्क्वायर की वैल्यू 169, तो ये अपना होता है 1, और उसके बाद वहीं 150, और उसके बाद एक हो जाता है 160, और लगभग यहाँ हो रहा है इस तरह से। अपना दूसरा जो पॉइंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 316 के यहाँ आ रहा था, तो ये 300 और 320 के लगभग यहाँ हो जाएगा। और अपना तीसरा पॉइंट आ रहा था अपना 453, यानी कि ये 400, उसके बाद 50, और ये थोड़ा सा ऊपर 453। तो ये तीनों जो अपना पॉइंट है हमने इसको शो किए। अब हम क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से हम इन्हें मिला देते हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पर आ रहे हैं, तो ये अपना क्या हो जाता है, जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है, अपना रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। टी और एल स्क्वायर के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है, और यानी क्या है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सा प्रैक्टिकल है ये, तो बड़ा आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।